नमस्कार दोस्तों, ट्रिपल आई ईएम के स्पेशल प्रोग्राम के अंदर आप सब लोगों का स्वागत है। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, ट्रिपल आई ईएम का डे वन से उद्देश्य रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट इंडस्ट्री में आए और एक्सपोर्ट इंपोर्ट को जानें, और जो गवर्नमेंट की अलग अलग स्कीम्स है, जो गवर्नमेंट के बारे में जागरूकता नहीं है लोगों को, उसको लेके हम लोग उनको अवेयर करें। मेजॉरिटी हम लोग फोकस करते हैं एक्सपोर्ट्स के ऊपर, बट जैसे कि आप सब लोग जानते हो, इंडिया का ऑलमोस्ट 65% अगर बात करता हूँ, अगर बिजनेस बेल्ट है, वो एमएसएमई में आता है। तो उसको फोकस करके हमने एक स्पेशल प्रोग्राम किया है कि जिसके अंतर्गत हमने इनवाइट किया है श्री दिनेश अमीन जी को, जो ऑलमोस्ट 36 इयर्स तक कमिश्नर थे, जॉइंट कमिश्नर थे इंडस्ट्री डिपार्टमेंट गुजरात के अंदर, वॉज टेकिंग केयर फॉर द एमएसएमई डिपार्टमेंट। तो आप लोगों की जो भी एमएसएमई को लेके क्वेश्चंस है, क्वेरीज है, हम उसको डिस्कस करेंगे। और एमएसएमई को लेके गवर्नमेंट के क्या नॉर्म्स है और गवर्नमेंट किस तरह से एक्सपोर्ट या एमएसएमई को आगे बढ़ाने के लिए काम करता है, उसके ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो पूरे अंत तक ये प्रोग्राम देखिए कि जिसके अंदर आपको सारे बेनिफिट्स क्या क्या मिलते हैं गवर्नमेंट को, एक्सपोर्ट के लिए, लोकल डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग के लिए क्या क्या बेनिफिट मिलता है, ये सारी चीज़ें आप सब लोग जान पाएंगे। सो आई वेलकम दिनेश जी फॉर अवर शो। थैंक्स फॉर कमिंग डाउन फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। तो सर, आपने जैसे बताया कि कैपिटल सब्सिडी मिलती है, इंटरेस्ट से सब्सिडी मिलती है, वैसे अगर मैं बात करूँ तो बहुत सारे एसएमई को आगे बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक और एक स्कीम चलती है, इसका नाम है सीजीटी एसएमई करके, राइट? एज अ कैपिटल उसको सब्सिडी मिलती है कि अगर प्लांट मशीन डाल रहे हो तो आई विल बी हैप्पी अगर आप उसके ऊपर थोड़ा ब्रीफ करें हमें। सीजीटीएमएस मीन्स ऐसा क्रेडिट एंड गारंटी ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज। गुड। तो इसमें क्या होता है कि जब भी कोई एंटरप्रेन्योर्स है, इसके पास कोई सिक्योरिटी रखने के लिए, कोई उसके पास मकान नहीं है, कोई ऐसी कोई फिजिकल प्रॉपर्टी नहीं है, तो वो क्या करेगा? विदाउट बैंक के अगर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में जाते हैं तो वो कोलेटरल सिक्योरिटी मांगते हैं। सही बात है। लेकिन गवर्नमेंट ने ये स्कीम एक इंट्रोड्यूस किया है सीजीटीएमएसई में, इसमें 2 करोड़ तक का आपका जो भी फाइनेंस है वो ये अगर ये स्कीम के तहत जाता है तो उसको कोलेटरल सिक्योरिटी देना नहीं है, कोई सिक्योरिटी नहीं है। हाँ, कोलेटरल सिक्योरिटी नहीं देना, सिक्योरिटी थर्ड पार्टी गारंटी जो चीज जो है उनके प्रोविजन वो करना है। okay. लेकिन कोई प्रॉपर्टी आपको वहाँ नहीं रखनी है। ओके, गुड। ज़्यादातर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या करते हैं कोलेटरल सिक्योरिटी में, आपकी जो प्रॉपर्टी है उसका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स उनके साथ एप्लीकेशन के साथ अटैच कर देते हैं आपको। सही बात। लेकिन इसमें सीजीटीएमएसई इट्स एज गुड एज इंश्योरेंस। सही बात है। आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को इंश्योरेंस है तो इंश्योरेंस देता कौन है एक्चुअली? ये गवर्नमेंट एमएसएमई डिपार्टमेंट का स्कीम, एमएसएमई डिपार्टमेंट देता है कि एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए। और ये जो ऑपरेट होते हैं थ्रू सिडबी होता है। थ्रू सिडबी अगर मुझे सीजीटीएमएसई लोन अप्लाई करनी है तो सिडबी के थ्रू अगर मुझे ये सब्सिडी नहीं नहीं वो आपको कुछ नहीं करना है। बैंक को बैंक को आपको सिंपली बोलना है कि भाई मैं मेरा प्रोजेक्ट 2 करोड़ से कम है और मैं सीजीटीएमएसई में स्कीम में जाना चाहता हूँ, बस। Okay. बाकी का तो सब बैंक को पता है, बैंक खुद पर खुद बैंक को ही करना है। क्योंकि बहुत बार से मैंने सुना हुआ है कि बहुत सारी बैंक अप्रूव नहीं करती है, तो उसका मेजर रीजन क्या होता है इसके कारण बेसिकली अप्रूव नहीं करने का? सी जी, आप कोई भी इंस्टीट्यूशन या कोई ऑफिस की बात करें तो वहाँ जो बैठा है ऑफिसर उसका माइंडसेट की बात है। ओके। और दूसरा, आप बहुत सारे जो क्वेश्चंस आ रहे हैं बैंकर्स को, बैंक मैनेजर्स को, बैंक ऑफिसर्स को, उनको जो फेस करते हैं वो एनपीए की बात, एनपीए सबसे बड़ा, तो उसका सबसे बड़ा टेंशन ये है कि मैं ये एमएसएमई को लोन दे रहा हूँ तो वो रिटर्न आएगी कि नहीं। सही बात है, सही बात है। तो इसी की वजह से वो जो सीजीटीएमएसई स्कीम है उसका ज़्यादा एक्सपोजर नहीं हुआ है। सही बात है। और कई लोग तो इससे अवेयर भी नहीं है। मुझे सर, मैंने क्वेश्चन स्पेसिफिकली इसीलिए पूछा क्योंकि हमारे मेजॉरिटी जो व्यूअर्स हैं, पार्टिसिपेंट्स हैं, वो फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, उनका बैकग्राउंड नहीं होता, वो बैंक के पास जाते हैं तो बैंक बोलते नहीं यार आपको नहीं मिल सकती। तो बैंक का नहीं बोलने का रीज़न क्या? क्योंकि गवर्नमेंट ने ये स्कीम बनाई, मीडियम स्केल इंडस्ट्री को या स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को, माइक्रो स्केल इंडस्ट्री को डेवलप करने की स्कीम बनाई, राइट? और वो नहीं देने का रीज़न क्या होता है अगर मैं बात करूँ तो? वही मैंने बताया ना कि जब भी कोई अकाउंट एनपीए होता है तो उसका पहली जो जिम्मेदारी है वो कंसर्न
बैंक मैनेजर की, उसको ऑथेंटिकेट करने की, चेक करने की। ये जो एनपीए की जिम्मेदारी उसकी फिक्स नहीं होती, लेकिन जो जिम्मेदारी तब होती है उनकी जो प्रोसीजर लैप्सेस होता है। सही बात है। प्रायर टू एनपीए उन्होंने इनको ये इन्फॉर्म किया कि नहीं, उसका विजिट किया कि नहीं, उनकी जो प्रोसीजर होती है, इससे लैप्सेस की वजह से कई अननोन में उनके उनके शोल्डर पे एक जिम्मेदारी आ जाती है। बहुत सारे तो एक फियर रहता है कि भाई इनका ये अकाउंट तो एनपीए तो नहीं होगा ना, इसकी वजह से ये स्कीम का ज़्यादातर एक्सपोजर नहीं हुआ है। तो एप्लीकेंट को ये स्कीम में जाना है तो उसको फर्मली उसको बोलना पड़ेगा कि मैं ये सीजीटीएमसी स्कीम अवेल करना चाहता हूँ। सही बात है। और बहुत बार सर स्टार्टअप में ऐसा होता है कि सर वो लोग बोल रहे हैं कि मैं तो नया हूँ, मुझे पैसा गवर्नमेंट दे देगी, पर मैं मानता हूँ बेसिकली आज अगर फादर ने भी अपने बच्चे को बड़ा किया है, 25-30 साल तक बड़ा किया है, पापा को भी जाकर वो 50 लाख रुपये, 50 लाख रुपये पापा नहीं देते 25 साल तक बड़ा करने के बाद, सो हाउ कैन वी एक्सपेक्ट अ गवर्नमेंट जिससे आपको 2 करोड़ दे दे, पर उसके थोड़ा बैकग्राउंड तो चाहिए। तो आपके सर क्या बैकग्राउंड उनको खड़ा करने की ज़रूरत है जो उनको हेल्पफुल रहेगा, ताकि अगर बैंक में लोन लेने भी जाए तो बैंक का मैनेजर भी उतनी दृढ़ता से उसको लोन देने के लिए रेडी हो जाए। ये गवर्नमेंट जो अनाउंसमेंट करती है बहुत सारे स्कीम्स, और जो आपने बताया कि भाई ये इतना सारा फंड एमएसएमई को मिल जाएगा, तो गवर्नमेंट का एंगल जो होता है वो डेवलपमेंट एंगल होता है। सही बात है, सही बात है। और वो पूरे प्रिकॉशंस रखती है कि भाई कोई भी एमएसएमई एप्लीकेंट है वो अपना अच्छे प्रोजेक्ट के लिए सफर ना हो। सही बात है, सही बात है। दूसरी बात, अगर जब हम क्रेडिट लेने जाते हैं तो सबसे पहली बात आती है क्रेडिट वर्थिनेस। सुपर सुपर। तो ये क्रेडिट वर्थिनेस, हम जब इस जब सिस्टम नहीं थी, बैंक की सिस्टम कुछ नहीं था, जब गांव में कोई श्रॉफ या कोई दीदार वाला जब होता था, तभी कोई छोटा बंदा जब उसके पास पैसे लेने जाता था तो वो क्या बोलते थे कि भाई गांव का ये बंदा है वो आपकी जिम्मेदारी ले तुम्हें पैसा दे दे। सही बात है। और गुजराती में वो बोलते थे कि भाई ये दरबार का मूछ है वो हमारे यहाँ रख दो, बिल दे। तो मूछ क्या, मूछ प्रॉपर्टी तो है नहीं। सही बात है। लेकिन इट्स अ क्रेडिट वर्दीनेस। क्रेडिट वर्दीनेस, सुपर सुपर। ये बंदे ने बोला कि भाई इसका पैसा वापस आ जाएगा, दैट डन, आपको उसी वक्त पैसा मिल जाएगा। तो आपको पहले जो जो बैंक मैनेजर है या बैंक ऑफिसर है उसको कन्विंस करना है कि भाई मेरा इंटीग्रिटी ये है, मेरा प्रोजेक्ट ये है, इसमें जो रिटर्न है ये है, और आई एम कॉन्फिडेंट कि ये प्रोजेक्ट होने के बाद आपका पैसा नहीं डूबेगा। सही बात। दूसरी बात है, ये आपके बोलने पर वो कन्विंस होगा। अगर इसको थोड़ा भी डाउट लगता है तो जो बैंक के साथ जो लास्ट 10 ईयर से 15 ईयर से 20 ईयर से कोई उनके साथ डील कर रहा है और उनका क्रेडिट वर्थिनेस अच्छा है, उसका रेफरेंस लेके जाओ। सही बात है। अगर आप सोसाइटी में रहते हैं तो आपके पास अगर आपका अच्छा स्टेटस है तो आपको रेफरेंस भी मिल जाएगा। सही बात है, सही बात है। तो ये सब बात है वो जो फाइनेंस लेने के दिक्कत रहती है इसमें, पर लेकिन फाइनली बात यह है कि यू एस्टैब्लिश योर क्रेडिट वर्थिनेस। सही बात है। तो सर स्पेसिफिकली मुझे जहाँ तक पता है एमएसएमई स्टार्टअप्स के लिए या इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर्स के लिए भी बहुत सारी स्कीम चलाते हैं, तो आई बी हैप्पी अगर उसके बारे में ब्रीफ करें थोड़ा सा हमें। आप जानते होंगे कि ये जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं तो कई सारे प्रोजेक्ट बनाते हैं, कई इवेंट, कई ऐसी प्रोडक्ट आप पेपर में ही पढ़ते होंगे कि ये स्टूडेंट ने ये चीज़ बनाई, ये बनाई। अभी ये जब अपने ग्रेजुएशन के बाद अगर ये उनको लगता है कि ये इनोवेटिव प्रोडक्ट है और उसको कॉमर्शियली डेवलप करना चाहता है, सही बात है, तो इसके लिए गवर्नमेंट ने एक इनोवेटिव स्टार्टअप के लिए एक अच्छा स्कीम बनाया है। वो जो भी इनोवेटर है उनको एक काम करना है कि जो गवर्नमेंट ने कई सारे कॉलेजेस जिसके पास टेक्निकल पर्सन्स है, प्रोफेसर्स है, उनके पास लैब है, तो ऐसे जो नोडल इंस्टीट्यूट हैं उनको अप्रोच करना है। ओके। अपनी प्रोडक्ट के बारे में उनको बताना है कि भाई हमारी ये प्रोडक्ट है और ये प्रोडक्ट इस तरह चलती है, इसके फ्यूचर ऐसा है। तो ये नोडल इंस्टीट्यूट है उनका वहाँ एक कमिटी जैसा होता है, वो लोग ये प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा रिसर्च कर लेते हैं और उसका फ्यूचर क्या है कि आफ्टर कमर्शियल प्रोडक्शन के बाद वो देख लेते हैं। अगर वो अप्रूव करने के बाद इंडस्ट्रीज कमीशन को भेज देते हैं और वो इनोवेटिव प्रोडक्ट
का प्रोजेक्ट उनका अप्रूव हो जाता है तो जो इनोवेटर है उनको एक साल के लिए एक कॉम्पनसेशन गवर्नमेंट 10,000 रुपया पर मंथ देती है। Super. इसके बाद ये जो नोडल इंस्टीट्यूट मतलब ज़्यादातर टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटीज होती है, इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट होते हैं, तो उनको मेंटर सर्विसेज के लिए 5,00,000 रुपया तक देती है। ओह ओके गुड। और फिर अगर ये जो प्रोडक्ट है ये प्रोडक्ट में कोई ऐसा मशीन चाहिए या कोई रॉ मटेरियल चाहिए, कोई जिक्स फिक्सर चाहिए, तो इसके खर्च के लिए 10,00,000 रुपया तक उसको हेल्प करती है। इसके बाद अगर फिर मार्केटिंग के लिए उसको जाना है तो अगेन गवर्नमेंट का स्कीम है, जैसे मैंने बताया कैपिटल इंटरेस्ट सब्सिडी, उसके बाहर उसके बाहर लेकिन हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी सर वही है, उसके ऊपर ले रहा हूँ स्पेशल। पर अगर बात करें कॉलेज लेवल से ही, यानी हम लोग यूजली गवर्नमेंट को ऐसा लेके बैठे गवर्नमेंट कुछ नहीं करते, हम यूजली एक ऐसी टेंडेंसी बना के रखी हुई लोगों ने, राइट। पर अगर बात करो एमएसएमई पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की, तो कॉलेज लेवल से ही उनके ऊपर फोकस होता है कि वहां से ही वो इनोवेटिवली काम करें, क्योंकि आज की अगर इंडिया की सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट अगर बात करें तो रोजगारी की है, राइट। अगर वो वहां से ही बंदा रेडी हो, यूनिवर्सिटी में ही उसको पुक किया जाए, उसको वहां पे सपोर्ट दिया जाए और जो एक अच्छा स्टार्टअप बन सकता है, राइट, तो वहां से ही फोकस होता है उसके ऊपर। और ये सारी चीजें सर ऑनलाइन अवेलेबल है उनकी साइट के ऊपर, कौन सी नॉमिनेटेड कॉलेजेस है या कौन से लेबोरेटरीज है? ये हमारी जो गुजरात सरकार के जो वेबसाइट है इंडस्ट्रीज कमिश्नर का ic.gujarat.gov.in ओके, ये वेबसाइट पे आप ये जो हमारे स्कीम का जो स्टार्टअप का स्कीम आप खोलेंगे तो कौन सी इंजीनियरिंग कॉलेज टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूशन अप्रूव्ड है वो उसका आपको लिस्ट मिलेगा, तो आपका नियर बाय जो इनोवेटर है उसका नियर बाय जो भी नोडल इंस्टीट्यूट है उसको वह अप्रोच कर सकता है।